वालेकुम स्टूडेंट ऑफ क्लास फोर, होप यू ऑल आर फाइन। बेटा आज हम फेयर वर्क करेंगे। कल भी हमने फेयर वर्क किया था। क्वेश्चन वन हम फेयर कर चुके हैं, क्वेश्चन टू भी हम फेयर कर चुके हैं एंड क्वेश्चन थ्री हम फेयर कर चुके हैं, ठीक है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फोर। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर फोर फेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर में क्या है, लिस्ट द डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल डिवाइसेस। हम पहले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं बुक पेज नंबर 5 पर एनालॉग एंड डिजिटल के बारे में, ठीक है। तो एनालॉग कंप्यूटर के बारे में हम पढ़ चुके हैं एंड डिजिटल कंप्यूटर के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब इनके क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है लिस्ट द डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल डिवाइसेस, ठीक है। ये हमारा फेयर वर्क है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको कॉपी फेयर करनी है। क्वेश्चन नंबर फोर, यहाँ पे आप डेट लिखेंगे, दोनों साइड मार्जिन लाइन, डेट, उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर, लिस्ट द डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल डिवाइसेस। क्या फ़र्क है एनालॉग एंड डिजिटल डिवाइसेस में, ठीक है। एक टेबल क्रिएट करेंगे, ये हमारी टेबल एनालॉग, यहाँ डिजिटल, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर्स वर्क ऑन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड। हम पढ़ चुके हैं कि एनालॉग कंप्यूटर्स क्या करते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड होती है इनकी, ठीक है। दे कैन सॉल्व द मोस्ट कॉम्प्लेक्स इक्वेशन इन अ सेकंड, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, कोई भी जितनी भी मुश्किल इक्वेशन हो वो सेकंड्स में सॉल्व करते हैं। लास्ट पॉइंट इसकी क्या है, दे हैव लिमिटेड मेमोरी। इसके अंदर जो मेमोरी होती है वो लिमिटेड होती है, ठीक है। उसके बाद हम अब आते हैं डिजिटल पर। डिजिटल कंप्यूटर्स प्रोड्यूस रिजल्ट दैट कैन बी रीड विद द ग्रेट प्रिसिशन, ठीक है। दे आर स्लोअर देन एनालॉग कंप्यूटर, दे आर इजियर टू प्रोग्राम, ठीक है। तो क्या है डिफरेंस, एनालॉग कंप्यूटर क्या है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड है, लेकिन इसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है, और डिजिटल कंप्यूटर की स्पीड थोड़ी कम होती है। और जो एनालॉग कंप्यूटर से दे सॉल्व द मोस्ट कॉम्प्लेक्स इक्वेशन इन अ सेकंड। कोई भी कितनी भी मुश्किल इक्वेशन क्यों ना हो, एनालॉग कंप्यूटर्स को सेकंड्स में सॉल्व करता है, और इसके अंदर जो मेमोरी होती है लिमिटेड होती है। और डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर जो रिजल्ट प्रोड्यूस करता है और जो एनालॉग से थोड़ा स्लो होता है, ठीक है। और इसकी जो प्रोग्रामिंग होती है, या जो एनालॉग की सॉरी डिजिटल की प्रोग्रामिंग क्या होती है, ईजी होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है, डिफाइन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। क्या है, डिफाइन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। अब हम बुक में पढ़ चुके हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, बुक पेज नंबर 8 पर, कि हमारे इनपुट डिवाइसेस कौन से हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन से हैं, या इनकी डेफिनेशन हमें लिखनी है, ठीक है। यह है क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को डिफाइन करना है, इनकी डेफिनेशन लिखनी है। सो हमारे इनपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं, इनपुट डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस दैट हेल्प अस टू इंटर डेटा एंड प्रोग्राम इनटू द कंप्यूटर, ठीक है। वो डिवाइसेस जो हमारी हेल्प करते हैं कंप्यूटर के अंदर डेटा एंटर करने में या प्रोग्रामिंग करने में। आउटपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं, आउटपुट डिवाइस आर दोज डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं, दे डिस्प्ले प्रोसेस डेटा, जो हमें प्रोसेस डेटा को डिस्प्ले करते हैं, जैसे कि मॉनिटर। हम जैसे डेटा एंट्री करते हैं कीबोर्ड की मदद से, और जो डिस्प्ले होती है मॉनिटर पे होती है। तो कीबोर्ड हमारा क्या है, इनपुट है, और जो हमारा मॉनिटर पे डिस्प्ले हो रही है वो हमारा आउटपुट है, ठीक है। बेटा ये डेफिनेशन थी, आपको फेयर वर्क है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 फेयर करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करना है।